आप IPS के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या सोच के इसको शुरू किया और हम मतलब IPS की किस तरह मदद कर सकते हैं। IPS एनिमल रेस्क्यू इनोसेंट पेट शेल्टर वेलफेयर सोसाइटी का वजूद जो आया वो 2015 में आया, वो इसलिए आया कि पाकिस्तान में भी यूरोप कंट्रीज़ की तरह जो है वो एनिमल्स की लाइफ को भी सुकून में लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अमूमन फोकस ज़्यादातर डॉग्स के ऊपर है कि डॉग्स इंसान से परेशान हैं और इंसान जो है वो डॉग से परेशान है। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों की ज़िंदगी, इंसान और इस बेजुबान जानवर की ज़िंदगी, दोनों सुकून में आए। तो इनोसेंट पेट शेल्टर इस पे काम कर रहा है। और जैसे यूरोप कंट्रीज़ में आप देखते हैं कि रोड पर अमूमन या स्ट्रीट पे आपको डॉग्स या कैट्स इस तरीके से नहीं दिखते चलते हुए, या उनके ऊपर जुल्म नहीं होता, तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी वो जो है इसी तरीके का सिस्टम बनना चाहिए, जिसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। IPS एनिमल रेस्क्यू ने जब स्टार्ट लिया था तो उस वक्त जो IPS एनिमल रेस्क्यू का बजट था वो तकरीबन मंथली एक्सपेंस तकरीबन 1 लाख के करीब था, और उस वक्त भी काफ़ी दुश्वारियाँ थीं वो 1 लाख के हिसाब से। और अभी अगर देखा जाए तो IPS एनिमल रेस्क्यू का जो बजट है मंथली एक्सपेंस वो 6 लाख के करीब है, अमूमन क्रॉस कर रहा है उसको। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक साथ नहीं दिया जा सकता फ़ंड को लेकर, इस तरीके से फिर हम लोग काम करने में दुश्वारियाँ होती हैं। और यहाँ दुश्वारियों का मामला ऐसा है कुछ के यहाँ पर स्टाफ है जो कि इन बेजुबानों को प्रॉपर केयर चाहिए होती है, ट्रीटमेंट इनका, और फिर इनको प्रॉपर खाना चाहिए होता है टाइम पर, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट लगती है, ठीक है, और शेल्टर्स के जो अदर एक्सपेंस हैं वो हो गए। तो इन सब को मिलाकर जो है मंथली एक्सपेंस जो है वो एक हैंडसम अमाउंट बनता है। तो स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, और लेकिन यह है कि पब्लिक के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, हम सब मिलके ही कर सकते हैं इसको अगर हम लोगों ने सिस्टम को बदलना है। ज़रूरी नहीं होता कि पैसा ही सब कुछ फोकस हो, आप कोई भी उसका पार्ट बन सकते हैं, खाने में, उसके मेडिकल में, ठीक है, उसके जो बिल्स होते हैं, अदर एक्सपेंस होते हैं, उसमें कोई पार्ट बन सकते हैं। तो ये बेहतरीन ट्रस्ट का एक ज़रिया आपको मैं बता सकता हूँ। अगर आप आवाम से कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे, एक फाइनल मैसेज, एक पैगाम? IPS एनिमल रेस्क्यू के तवसुत से मैं आवाम को एक मैसेज देना चाहूँगा कि इन बेजुबानों का ख्याल रखें, और हमारे दीन इस्लाम में भी मोहब्बत करना सिखाया है, और असल में जो मखलूक आई है दुनिया में उन सब का कोई ना कोई किरदार है दुनिया में, बगैर किसी मकसद के किसी को नहीं भेजा गया दुनिया में। तो हमारा बिल्कुल भी हमें ये राइट नहीं दिया गया किसी को भी, किसी मखलूक को ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, वहाँ पे हुक्म दिया गया है इस्लाम ने कि अगर इंसान के लिए कोई चीज़ ख़तरा बन रही है तो उसका आप उसको रिप्लाई दे सकते हो, उसका फिर आप कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि अगर मैं बजाते खुद जो है वो किसी के लिए ख़तरा बन रहा हूँ तो मुझे लेके जो है वो यहाँ के जो 100 लोग और हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मेरा आप लोगों को पैगाम ये है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, ज़रूरी नहीं है कि इंसान है, इंसान के अलावा भी दुनिया में बहुत से मखलूकात हैं, सबसे मोहब्बत करें और सबको मोहब्बत का दर्ज दें। शुक्रिया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जानवरों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट कैसा सलूक करती है, और इन जनरल लोग कैसे बिहेव करते हैं? पाकिस्तान में जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनको जो है वो पत्थरों से मारा जाता है, उनको पॉइजन दिया जाता है, और जिस तरह से ये केस हमारे पास कल आया है, ये लाडो है और इसकी जो फैमिली है, इसकी सिस्टर को तो इनफैक्ट आपको पता है कि स्टिक से मार मार के जो है वो उसको मार दिया है, जान से मार दिया है, और उसका एक भाई पैरालाइज है और एक ये हमारे पास आया है। सो मतलब इस तरह से इनको हर्ट किया जाता है, और बहुत से केसेस हमारे पास है। हमारे पास पॉली एक बेच है, उसके साथ बकायदा रेप केस हुआ है, एक सेमी एसिड केस भी हमारे पास है। तो इस बेदर्दी से इनको मारा जाता है, और सेक्शन 3 के तहत जो लॉ बनाया गया था 200 रुपीज़ जुर्माना था, और 6 मंथ्स की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उस पर जो है वो जो लोग जुल्म करते थे एनिमल्स के साथ उनके लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो है वो कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा, और बहुत ज़्यादा जुल्म इनके साथ किया जा रहा है, और पॉइजनिंग तो बहुत ज़्यादा इनके साथ हो रही है, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन बच्चे के
उनको भी पॉइजन दे के मार दिया जाता है। ये भी नहीं सोचते कि इतने छोटे बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है बेचारों का। अगर हमें कोई जुल्म करता हुआ होता नज़र आए बेज़मानों पे, तो हम आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं आईपीएस को? अगर किसी को कोई जुल्म करता होता हुआ देखे किसी एनिमल पे, या फिर कोई इंजर्ड एनिमल है, या वो मुश्किल में है, सो आप जो है वो आईपीएस हमारे पेज पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना केस रिपोर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हमारी टीम जो है, फिर वो आप हमें एड्रेस वगैरह सेंड करें सब, उस पर रेस्क्यू करेगी, फिर एनिमल हमारे पास आएगा, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे जो भी उसका इशू होगा वो। अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसको शेल्टर देंगे और अपने पास जैसे रखेंगे। एक दिन में एवरेज रेस्क्यूज़ कितने आते होंगे आप लोगों के पास? देखें, एवरेज रेस्क्यूज़ कोई फिक्स नहीं है, ये केसेस के ऊपर होता है। दिन में हमारे पास 4 भी आते हैं, दिन में हमारे पास 5 भी आते हैं, और दिन में हमारे पास कोई भी नहीं आता। तो ये कोई फिक्स इसका जो है नंबर नहीं है कि दिन में हमारे पास उतने आने ही आने हैं, ये तो केस के ऊपर होता है। अगर कोई पॉइजन केस ज़्यादा दिया जा रहा है, जिस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है पॉइजन की, तो दिन में हमारे पास अगर अभी एवरेज निकाली जाए तो हमारे पास दिन में अराउंड 4 to 5 जो है डॉग्स इस वक्त पॉइजन वगैरह के आ रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये तो केस के ऊपर होता है। जिस तरह से मैं अगर आपको केस का एक बताऊं, तो एक अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक जो सेवरेज का मेन होल था उससे एक पपी को निकाला था, तो वो उसको निकालने में हमें रात के 3 बज गए थे, क्योंकि वो पपी बहुत अंदर था और वो बहुत डरा हुआ था मेन होल के अंदर, वो निकल नहीं रहा था बाहर। तो हम लोग तकरीबन उसके पास गए थे, शाम 6 बजे गए थे और हम रात के 3 बजे उसको रेस्क्यू करके आए हैं वहाँ से। तो ये तो केस के ऊपर होता है कि अगर ये डॉग डरा हुआ होता है तो ये भाग रहा होता है, तो ये जब हाथ में आ जाए आपके, तो इसके लिए कोई टाइम एक फिक्स नहीं होता कि उस टाइम में वो आपको आना है। तो हमारे पास टीम प्रॉपर मौजूद हैं इसके लिए, लेकिन ये तो केस के ऊपर होता है कि केस कितना जो है अपनी नौइयत का है, तो उसकी वजह से ही जो है टाइम हमारा लगता है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन पाकिस्तान के लिए के बारे में थोड़ा? At present, what I have seen, we need to do a lot of work like regarding the treatment of animals, because daily जो मैंने देखा है, we need to educate the people, ठीक है, not only the youngsters, even the adults, they are training the youngsters and so on, the family is going on, और एक जो trend चला आ रहा है families में कि कुत्ते को मारना है, hurt करना है, that is running in the families, ठीक है। आप एक बच्चे को सिखाते हैं लेकिन उसको घर से ये तरबियत नहीं है तो वो नहीं करेगा इसको। तो बेसिकली इट्स फ्रॉम द होम, आप अपने घर में इन चीज़ों को सेट करें, घर में अपने बच्चों को सिखाएं, ठीक है, वरना आप रोड पे जितना सिखा लें, वैसे चीज़ों को जितना प्रमोट कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज वंस ये जो हम्बलनेस होती है, काइंडनेस होती है, रन्स इन द फैमिलीज। आप एक छोटे बच्चे को सिखाएंगे कि पत्थर मारना है, वो कभी आप उसको कितना भी ट्रेन कर लें वो नहीं सीखेगा। तो आई थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एल्डर्स एंड पेरेंट्स, व्हाट आई थिंक इज, जो आप इनहेरिट करते हैं वो ट्रेड्स, वही आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं, सिंपल।